नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईबेस्टिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ईबेस्टिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ईबेस्टिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ईबेस्टिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ईबेस्टिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ईबेस्टिन टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए ईबेस्टिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर भी ईबेस्टिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। ईबेस्टिन टैबलेट 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईबेस्टिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ईबेस्टिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर ईबेस्टिन 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ईबेस्टिन 10 mg टैबलेट या ईबेस्टिन 20 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। ईबेस्टिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ईबेस्टिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ईबेस्टिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईबेस्टिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ईबेस्टिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ईबेस्टिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिर दर्द, शरीर में थकान, नींद आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स ईबेस्टिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईबेस्टिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ईबेस्टिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ईबेस्टिन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ईबेस्टिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईबेस्टिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर आपको ईबेस्टिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको ईबेस्टिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ईबेस्टिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे ईबेस्टिन टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही ईबेस्टिन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ईबेस्टिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ईबेस्टिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ईबेस्टिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।